चार वाल है और नोजल सेंटर में है, इस टेक्नोलॉजी से हमारा ट्रैक्टर तेल पर पहुँचाई जाता है। जैसे किसी भी एजेंसी में चले जाओ सारे लोगों का हमारा कम भी हो हमारा कम क्यों पी हो कम के को भी तीनों का खुद जो किसी भी ट्रैक्टर में नहीं है। हरारी गाड़ी के इंजन है सर्च करो उसके अंदर मोटा का इंजन और ये 1890 कंपनी है, इंडिया में 2008 में आई थी। इस कंपनी के 27 देशों में प्लांट है और सभी 4x4 ट्रैक्टर बनाती है। ये सिर्फ इंडिया की मार्केट देखें 2015 में ये टू व्हील लॉन्च करने पड़े ऑल वर्ल्ड 4x4 बना और 4x4 नंबर वन। हमने अपना ट्रैक्टर लेके मैदान में आ रही है लेकिन जापानी कंपनी है और कोटा कंपनी है 1890 के अंदर पहुँच रही और इस कंपनी का अंदर क्या खासियत है नू तो आप किसी कंपनी में जाओ सभी कहेंगे हमारा ट्रैक्टर तेल कम पी हुआ हमारा तेल कम पी हुआ है। अरे क्यों पी हुआ क्या खासियत है हमारा ट्रैक्टर में सभी से अलग खासियत है। एक पिस्टन के ऊपर चार वाल है और ये चार सिलेंडर है तो इसके अंदर 16 वाल हो गया आउटपुट इनपुट। और ट्रैक्टर ज़्यादातर क्या होते हैं तीन सिलेंडर होते हैं तो 6 वाल हुई चार सिलेंडर है तो 8 वाल हुई और इसकी नोजल सेंटर में है। जिस भी इंजन हो गाड़ी का हो या ट्रैक्टर का हो अगर तिरछी नोजल लगी हुई है तो तिरछी नोजल लगने के कारण एक तो साइड से घसाई ज्यादा होती है किसी भी मिस्त्री ने पूछो साइड से काला इंजन मिलेगा घसाई ज्यादा मिलेगी। इसके नोजल सेंटर से तेल पूरा का पूरा यूज हो रहा है उसका स्लीप पर लगेगा तो 5-10% वैसे वेस्ट हो जाता है और उस साइड से इंजन ही घसाई ज्यादा होती है। इस इंजन की लाइफ उनसे डबल है तो इसलिए ये गाड़ी इस हमारा जो है कुबोटा कंपनी का ट्रैक्टर है इसकी खिंचाई इसलिए ज़्यादा है और नोजल है इसके अंदर और नोजल सेंटर के अंदर जी। इस टेक्नोलॉजी से हमारा ट्रैक्टर तेल कम खिंचाई ज़्यादा है। एक मैम के पास आने वाला है भाई यार 45 इसको दे रखे किसानों से मिलवाना चाहोगे तीनों ने ट्रैक्टर खरीदे टू व्हील ड्राइव में सब्सिडी वगैरह आपको साथ के साथ मिली है कितनी मिली है जी 11 और भी वही किसान यहाँ पर।